आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश जनपद मऊ की। मऊ जनपद के सरायल घनसी से थाना क्षेत्र स्थित शराब भट्टी के पास नाले के करीब अज्ञात कारणों से जिला अस्पताल के CMS डॉक्टर ब्रिज कुमार के साले माया राम, जिसकी उम्र 38 वर्ष, पुत्र रतन राम का लगभग सुबह 4 बजे शव बरामद हुआ। शव मिलने की सूचना मृतक के रिश्तेदार CMS डॉक्टर ब्रिज कुमार को दिया गया। डॉक्टर ब्रिज कुमार भागे भागे घटना स्थल पहुंचकर मृतक अपने रिश्तेदार के शव की पहचान कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाए। बताते चले कि माया राम पुत्र रतन राम, जो आजमगढ़ के बिलरियागंज ग्राम सभा के काकरिया का रहने वाला था, वो काफी समय से मऊ के जिला अस्पताल में CT स्कैन विभाग में संविदा पर कार्यरत था। वहीं माया राम नगर क्षेत्र के गालीपुरा मोहल्ले में किराए के मकान पर रहता था। आज सुबह सरायल खंसी थाने की पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग में कार्य करने वाले माया के शव मिलने की सूचना दी थी। जब मैंने जाकर शव की शिनाख्त की तो वो माया राम, जो कि रिश्ते में मेरा साला लगता है, उसका ही शव बरामद हुआ है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पंचनामा की कार्यवाही की जा रही है। कहा जाए ये है, हो गया तो घटना हो गई तो क्या किया जाए। क्या लगता है कोई हत्या करी फेंक दिया या फिर? नहीं सर, ऐसा नहीं। हत्या की संभावना नहीं, संभावना यही है कि मैं भी, हो सकता है खुशी थी तो हमने उसी खुशी में, हो सकता है कि थोड़ी बहुत एकाध शीशी दारू पी लिए हों और गिर गए हों। क्या नाम है इनका? माया राम नाम है, सगा साला है, ऐसा नहीं है। हमको रात में भी पता चलता तो हम तो खुशबे करते घूम गा के साहब कहाँ है। सुबह हम तो फोन किया, उनका भतीजा ही इमरजेंसी ड्यूटी में था, अमित कुमार, अरतियों में नहीं, ये बताया। अब हम पछतावा यही है कि हम भी ढूंढ लिए होते, का दिन मिल जाता, लेकिन वो इनहेल कर गया, पूरी बॉडी भीगी हुई। हम देख के आ रहे हैं पोस्टमार्टम।